घेवर रेसिपी। अगर आपको लगता है घर में घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत ही इजीली घर में बना सकते हैं बिना किसी मोल्ड के क्रिस्पी घेवर। तो स्टार्ट करते हैं घेवर बनाना। सबसे पहले हम एक तार की चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप चीनी ली है, वजन से 200 ग्राम चीनी है ये। आधा कप पानी लेंगे, जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा पानी लेंगे, वजन से 50 ml पानी। एक छोटी इलायची को क्रश करके डाल देंगे और ये 5-6 धागे सैफ्रॉन के डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी चाशनी तैयार कर सकते हैं। 2-3 बॉईल के आने पर ही वैसे तो एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, या फिर आप उंगली से टच करके देखें, एक तार अगर बन रहा है तो फ्लेम ऑफ कर दें और कवर करके साइड पर रख देंगे। घेवर के लिए रबड़ी भी तैयार कर लेते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए ये 3 कप दूध लिया है मैंने, वजन से 700 ml दूध है ये। दूध को हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, जब तक दूध गाढ़ा होगा तब तक हम दूध को पकाएंगे। ये हल्की वाली जो मलाई आती जाती है दूध के ऊपर, इसको हम साइड पर लगाते जाएंगे ऐसे चारों साइड को, और जब ये हार्ड हो जाएगी तो हम दूध में ही मिक्स कर लेंगे इसको। 1 tablespoon ये दही डाल देंगे, दही को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से मैश करेंगे और मिक्स कर लेंगे। 1 pinch इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 cup के करीब चीनी डालेंगे। मीठा मैंने कम ही रखा है क्योंकि हमें घेवर के ऊपर चाशनी भी लगानी है, चाशनी भी काफ़ी मीठी होती है। और ये रबड़ी भी तैयार हो चुकी है तो इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे कवर करके। घेवर बनाने के लिए 4 tablespoon देसी घी लेंगे, आप डालडा घी भी ले सकते हैं। और ये कुछ आइस के टुकड़े हैं, दोनों को मिक्सी जार में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 cup दूध भी डाल देंगे और फिर से चला लेंगे। और इसका टेक्सचर हमें बिल्कुल वैसा चाहिए जैसा हम घी या मक्खन वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। ये 1 cup मैदा लिया है मैंने, वजन से 200 ग्राम मैदा। मैदा को हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। तो लम्स फ्री बैटर तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 spoon ले लेंगे और स्पून से हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे, और बीच बीच में हम इसमें चिल्ड पानी डालेंगे। पानी का चिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चिल्ड पानी से ही बैटर बहुत अच्छा तैयार होगा। मिक्सी को हम रोक रोक कर ही चलाएंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे, चलाएंगे फिर बंद करेंगे। 2 tablespoon बेसन भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, और ये लिक्विड फॉर्म में हमारा बैटर तैयार है। अब मेन पॉइंट इसका ये है कि बैटर को हमें चिल्ड रखना है, तो बैटर हमारा चिल्ड रहना चाहिए। इसके लिए आप या तो इसको फ्रिज में रखें, थोड़ा थोड़ा बैटर निकाल कर बनाते रहें, या फिर इस तरीके से जैसे मैं रख रही हूँ, एक बाउल में बहुत सारी आइस भरें और बैटर वाले बर्तन को आइस के ऊपर रखें। और इस टाइप का ये मैंने बर्तन लिया है, ऊपर से थोड़ा खुला हुआ और भारी तले का। और ये काफ़ी सारा मैंने घी ले लिया है, इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है, और हम इसको लास्ट तक हाई फ्लेम रखेंगे। और ये चिल्ड वाला थोड़ा सा बैटर डालेंगे, तेज गरम घी में जब हम ये चिल्ड वाला बैटर डालेंगे, ये सारे बबल एकदम ऊपर आ रहे हैं ना, इस तरीके से ये जब आएंगे तभी हमारा घेवर जाली वाला बनेगा। और जैसे ही नीचे जाएंगे हम दोबारा बैटर डाल देंगे, एक स्टिक से हम इसमें बीच में होल करेंगे। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे, बैटर डालेंगे, होल करेंगे, जैसे ही बबल नीचे जाएंगे फिर बैटर डालेंगे, फिर होल करेंगे। ऐसा मैं 20-25 बार करूँगी क्योंकि मैं बड़ा घेवर बना रही हूँ। आप अगर छोटा घेवर बना रहे हैं तो 10-15 बार ऐसा करें। बहुत ईजी है घेवर बनाना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, घी का टेम्परेचर हाई रखना है, बैटर को एकदम चिल रखेंगे और हर बार बैटर डालेंगे, स्टिक से होल करेंगे। और ये हमारा घेवर भी बन गया है, इसको भी हम आहिस्ता से बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना जालीदार और कितना ब्राउन घेवर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस घेवर में होल थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, बाकी के घेवर जो हम बनाएंगे उसमें होल छोटा रखेंगे। बिल्कुल हाई फ्लेम रखनी है, तेज गरम घी रखना है, और 2-3 बार बैटर डालेंगे हम इसमें जब होल करेंगे, फिर बबल जैसे ही नीचे जाएंगे फिर बैटर डालेंगे, फिर होल करेंगे। इसी तरह से हम ये सारे घेवर तैयार कर लेंगे, और इस पीस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल ब्राउन घेवर बनकर तैयार हुआ है। और 1 spoon से हम ये चाशनी डाल देंगे घेवर के ऊपर। और ये रबड़ी जो हमने तैयार करके रखी है इसको हम घेवर के ऊपर लगा देंगे, आप इसकी जगह मावा भी लगा सकते हैं। और ये चॉप हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डालें, लेकिन इस पर पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। और ये सिल्वर वर्क जो होते हैं ये डाल दें आप, या तो या सिल्वर फ्लेक्स आती हैं वो डाल दें। बिल्कुल हाई फ्लेम रखनी है, तेज गरम घी रखना है, और 2-3 बार बैटर डालेंगे हम इसमें जब होल करेंगे, फिर बबल जैसे ही नीचे जाएंगे फिर बैटर डालेंगे, फिर होल करेंगे।
इसी तरह से हम ये सारे घेवर तैयार कर लेंगे और इस पीस को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल ब्राउन घेवर बनकर तैयार हुआ है। और एक स्पून से हम ये चाशनी डाल देंगे घेवर के ऊपर। घेवर को डिप करने के लिए बहुत सारी चाशनी की ज़रूरत होगी, तो हम कितनी चाशनी बनाएंगे ऐसा, तो इसीलिए मैं ये चम्मच से चाशनी इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये चॉप हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डालें, लेकिन इस पर पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। और ये सिल्वर वर्क जो होते हैं ये डाल दें आप, या तो या सिल्वर फ्लेक्स आती हैं वो डाल दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।